कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिला पंचायत सीईओ ने विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोकतंत्र के सम्मान में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा रैली, कांग्रेस की स्टार प्रचारक साधना भारती ने की पत्रकारों से चर्चा। और बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लगाई गुहार, साहब बंद कंपनियां जल्द चालू करा दो। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। जनपद पंचायत लालबर्रा के सभाकक्ष में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला जिला पंचायत सीईओ उमा महेश्वरी, एसडीएम संदीप सिंह, वारासिवनी तहसीलदार राजेंद्र तेकाम, लालबर्रा जनपद पंचायत सीईओ गौरीशंकर डहरिया, लालबर्रा बीएमओ डॉक्टर ऋतिक पटेल की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और मध्य प्रदेश और ग्रामीण विकास विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारियों को कोरोना महामारी बीमारी को रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जानकारी दी गई कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, इसलिए आमजनों को जागरूक करें। 20 मार्च को लालबर्रा जनपद पंचायत अंतर्गत 10 पंचायतों में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाना है, जिसका प्रचार प्रसार कर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाकर टीका लगवाने और सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज लालबर्रा ब्लॉक में वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में, कल लगभग 10 पंचायतों में वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, तो वहाँ पे 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग, तो लगभग 1600 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उन लोगों की वैक्सीनेशन कराना है। क्या दिशा निर्देश दिए गए? सभी लोगों को ये दिशा निर्देश है, अपने जितने भी मैदान अमले हैं, जैसे सचिव पटवारी, जीआरएस हैं, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवारी, सभी लोग आए हुए थे, सरपंच लोग भी आए हुए थे, उन लोगों को सभी को ये निर्देश है कि सभी एक टीम फॉर्म करके डोर टू डोर सर्वे करके किस किस का वैक्सीनेशन हो चुका है, किन किन का नहीं हुआ, यदि किसी का नहीं हुआ है तो उनको सारी व्यवस्थाएँ करके सभी लोगों को ले जाके टीकाकरण कराना। पिछले साल 20 मार्च को लोकतंत्र की हत्या कर भाजपा के द्वारा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के विरोध में एक साल पूरा होने पर कांग्रेस 20 मार्च को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने जा रही है। इसकी शुरुआत प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ होगी। बालाघाट में इस दिन तिरंगा रैली निकालकर गांधी प्रतिमा से आंबेडकर प्रतिमा तक लोकतंत्र सम्मान रैली आयोजित होगी। इस आशय की जानकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक साधना भारती ने शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी, गरीब मजदूर विरोधी सरकार है। महंगाई के माध्यम से गरीबों का जीना मुहाल किया जा रहा है। चोर दरवाजे से कृषि कानून वापस कर किसानों को मरने के लिए आमादा कर रहे हैं और निजीकरण के माध्यम से अमीरों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार भी केंद्र सरकार से पीछे नहीं है। बलिदान दिवस भी है, साथ ही साथ जब हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, उस दिन को हम लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाने का कार्य कर रहे हैं। इस पर हम यात्रा के साथ साथ हम एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसके माध्यम से हम जनता तक ये बताएंगे, ये बात पहुंचाने का काम करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या का कार्य भाजपा एक बार नहीं 50 बार करने का काम करती रही है। और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि किसानों की क्या हालत इस देश में है। किसानों को लेकर लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में बैठे हुए हैं। मैं उसको लेकर भी आवाज उठाती रही हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते चैनलों के माध्यम से भी, सभाओं के माध्यम से जनता के बीच में इस बात को रखती रही हूँ। ये जो 3 कृषि काले कानून लाए गए हैं, ये किसानों के खिलाफ है और इन्हें हम काले कानून इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इन कानूनों को लाकर किसानों को उन्हीं के खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की एक रणनीति को इख्तियार किया गया है। ये सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है जो कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन काले कानूनों को लाई है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो संशोधन किया गया है उससे हमें असीमित भंडारण को खोल दिया गया है। सन 1944 और 43 के अंदर जब असीमित भंडारण किया गया बंगाल में, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के असीमित भंडारण के चलते 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। फिर से उस असीमित भंडारण को ला दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ला दिया गया है और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां की 47 मंडियां बंद हो चुकी है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित ग्राम रजेगांव के लगभग एक दर्जन वर्षों से बंद पड़े उद्योग धंधों को चालू कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। जहां सरकार नए उद्योगों को प्रदेश में लगाने विदेशी दौरे का लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं रजेगांव का गौरव रहे उद्योग धंधों को चालू कराने का कोई प्रयास नहीं कर रहा, सिर्फ जनता के साथ छलावा किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार रजेगांव में बंद पड़े उद्योगों का माल महाराष्ट्र सहित छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में जाता है। इन कंपनियों में हजारों की संख्या में लोग काम करने पहुंचते थे। इन मजदूरों में बालाघाट सहित उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के लोग काम कर जीवन यापन करते थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में 22 मार्च को जिला भाजपा कार्यालय में किसान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। इस संबंध में भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव निरंजन बिसेन ने बताया कि पहली बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का बालाघाट आगमन हो रहा है। 22 मार्च 2021 दिन सोमवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी का आगमन हमारे बालाघाट जिले में होने जा रहा है। बालाघाट जिले में 12 बजे उनका आगमन कंजई में होगा। पहले कंजई में उनका स्वागत होगा, कंजई के बाद फिर लालबर्रा में उनका स्वागत होगा रेस्ट हाउस में, और उसके बाद में फिर रैली के रूप में हम बालाघाट लाइन गर्रा चौक में उनका फिर स्वागत किया जाएगा। गर्रा चौक से फिर यहाँ उनको पार्टी कार्यालय में लाया जाएगा और पार्टी कार्यालय में किसान कार्यकर्ता सम्मेलन, एक भव्य किसान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन पार्टी कार्यालय में रखा गया है। किसान कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे जिले के सभी प्रतिष्ठित कृषक, पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेवा सहकारी समिति के प्रतिनिधि, मार्केटिंग के प्रतिनिधि, कोऑपरेटिव बैंक के प्रतिनिधि, पूर्व प्रतिनिधि और किसान संगठनों के सब प्रतिनिधि हैं, वो सब अपेक्षित रहेंगे। उनका प्रथम आगमन है दर्शन सिंह चौधरी जी का। इन दिनों बालाघाट नगरपालिका के दोनों सीएमओ उच्च न्यायालय के शरण में पहुंचकर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी कोई हल नहीं निकलते हुए दिखाई दे रहा। जबकि उच्च न्यायालय जबलपुर में इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को होनी थी, लेकिन उसे आगे बढ़ाते हुए उच्च न्यायालय ने 26 मार्च कर दिया। गौरतलब है कि नगरपालिका बालाघाट के तत्कालिक सीएमओ दिनेश वाघमारे का स्थानांतरण बरघाट किया गया था और शासन की ओर से सतीश मटसेनिया पहुंचकर पदभार ले लिया था, जिसके बाद तात्कालिक सीएमओ दिनेश वाघमारे ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय के शरण में पहुंचकर याचिका दायर की, जहां से उन्हें स्टे मिल गया था। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर, आयो और अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयो और अमृत हर्बल टी। ब्रेक क्यों देगा, फिर से आपका स्वागत है। गत एक वर्ष बाद धीरे धीरे कोरोना ने अपने पैर पसारते हुए महाराष्ट्र में जगह बना ली और आए दिन महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र शासन के द्वारा गत 15 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय से भी महाराष्ट्र से आने वाली बसों की आवाजाही पर 21 मार्च से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते जिले से महाराष्ट्र राज्य में रोजगार के लिए पलायन करने वाले मजदूर होली के पूर्व अपने गृह ग्राम वापस लौटने लगे हैं। जिले के आदिवासी अंचलों से मजदूरों का पलायन गत दिनों हुआ था, जो महाराष्ट्र के नागपुर गए थे। भारत पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील सीमा उरी बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने साथी जवानों के साथ मध्यरात्रि में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को गोलियां दागकर मौके पर ढेर करके अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देने वाले बालाघाट जिले के खैरालांजी के घुबड़गोंदी निवासी जाबाज दिनेश लेल्हारे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य गृह मंत्री के हस्ते राष्ट्रपति पदक और मेडल से सम्मानित किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।